मैं वर्षा राणे, आज का जो यहाँ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट हुआ है उसके एक अपॉर्चुनिटी लेती हूँ सभी महिलाओं को, बोरिवली और सभी महिलाओं को अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएँ। मुझे बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि हम अथर्व फाउंडेशन ये कार्यक्रम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। महिला हमेशा हमेशा झुटती आई है अपना जो कला, अपने अंदर की हुनर दिखाने के लिए, मगर जैसे मैंने पहले भी मनोगत किया है कि कुछ फाइट नहीं करना चाहिए, उन्होंने सिर्फ जानना चाहिए कि अपने में क्या गुण है, क्या है वो शक्तिशाली है, ये सब खुद जानकर बस शांत रहकर अपना जो कला है, गुण है, वो ज़माने के सामने लाना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगी। करीबन 14 कला है, 14 महिलाओं का सम्मान हुआ और स्पेशल प्राइजेस भी थे, जैसे कला है और अध्यात्म है या एंटरप्रेन्योर है, इन सभी महिलाओं को, अलग अलग क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी सभी महिलाओं का हमने यहाँ सम्मान किया है। और अच्छा लग रहा है मुझे कि सभी, इतनी सारी महिलाएं जो अच्छे काम कर रहे हैं, बोरीवली में रहते हैं, और बहुत ही गर्व की बात है ये हमारे लिए। वैसे हम सब जानते हैं अथर्व फाउंडेशन आज नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार भारत भर में, चाहे क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चाहे अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर सबसे ऊपर सैनिकों के सम्मान के लिए और उसके ऊपर उठते हुए शहीदों के परिवार के सम्मान के लिए, शहीदों के बेटियों के पढ़ाई के लिए, हम लगातार पिछले करीबन 15 वर्षों से काम करते हैं। बोरीवली में विधायक बनने के पश्चात 4 महीनों में कोरोना का महासंकट हमारे सभी के ऊपर आया था, और विश्व के महामारी के इस संकट के पश्चात 2 वर्ष के बाद जब कोरोना अभी थोड़ा कम होने लगा है, तो बोरीवली में पहला वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड, जिसको हम कहते हैं कि स्त्री सम्मान पुरस्कार सोहड़ा, ये आज बोरीवली में संपन्न हुआ। वर्षा राणे, पल्लवी राणे, हमारे अथर्व फाउंडेशन के हमारे सभी मेरे सहकारी, इन्होंने इस प्रोग्राम का, इस योजना का जो सेहरा बांधा, जिसके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम आज खिल के उठा। बोरीवली में रहने वाली प्रतिभावान महिलाओं का आज सम्मान हुआ। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाएं, चाहे वो मच्छीमार समाज से आने वाली महिला जो पिछले 40 वर्षों से लगातार अपने कामों के माध्यम से अपने परिवार को बढ़ाने का काम करती है, या फिर पोर्ट्रेट के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, या फिर 5000 किलोमीटर हिमालय तक स्कूटर लेके या मोटर बाइक लेके पहुंचने वाली महिला, ऐसे विभिन्न क्षेत्र से आने वाली बोरीवली की महिलाओं का प्रतिभावान क्षेत्र में आज हमने सम्मान किया, सत्कार किया। मुझे लगता है बोरीवली ये भूमि जहां पर प्रतिभावान कलाकारों की कमी नहीं है, और एक विधायक इस नाते नहीं बल्कि अथर्व फाउंडेशन की संस्था इस नाते हमने आज का ये कार्यक्रम किया।